नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं अमित भोबिया। किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपने ये नाम तो सुना ही होगा। जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने 2014 में चली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के दौरान सुन लिया होगा। मैं उसी आरएसएस की बात कर रहा हूँ जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वही आरएसएस जिसने बीजेपी को खड़ा किया और आज शिखर पर पहुंचा दिया। सवाल उठता है कि इस आरएसएस की संस्थापना किसने की थी, तो जवाब मिलता है कि डॉक्टर केबी हेडगवार ने 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको इस आरएसएस की स्थापना करने वाले और आगे बढ़ाने वाले मुख्य किरदार के बारे में बताएंगे। आरएसएस अकेले हेडगवार साहब के दिमाग की उपज नहीं थी, इसमें कोई और भी था। उनका नाम था डॉक्टर बीएस मुंजे। पहले ये बताते हैं कि बीएस मुंजे कौन थे। मुंजे का जन्म 1872 में वर्तमान के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। उस वक्त इस छत्तीसगढ़ को केंद्रीय प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविनेंस कहते थे। 1918 में मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज से मुंजे ने मेडिकल की डिग्री ली, फिर बॉम्बे नगर निगम में डॉक्टर बन गए। सैन्य जीवन में उनकी गहरी रुचि थी, तो फिर वो सेना में कमीशन अधिकारी बन गए। सेना की मेडिकल विंग में उन्हें दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में बोअर युद्ध में हिस्सा लेने भेजा गया। फिर वापस भारत आए, कांग्रेस में थे, लेकिन गांधी की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति से असहमत होने के चलते डॉक्टर मुंजे ने कांग्रेस छोड़ दी और हिंदू महासभा से जुड़ गए। मुंजे और हेडगवार की उम्र में 17 साल का फर्क था। उम्र में बड़े होने के कारण मुंजे हेडगवार के मार्गदर्शक भी थे। हेडगवार पर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। माना जाता है कि 1910 में मुंजे ने ही हेडगवार को मैट्रिक के बाद मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोलकाता भेजा था। मेडिकल की पढ़ाई के बाद हेडगवार भी शुरुआती दिनों में कांग्रेस में शामिल हो गए। हेडगवार ने 1921 में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, एक साल जेल में गए, लेकिन महात्मा गांधी के खिलाफतनामा आंदोलन को समर्थन देने के चलते उनका कांग्रेस से मन खिन हो गया। 1923 में सांप्रदायिक दंगे हुए, उन्होंने पूरी तरह से गांधी विचार से हेडगवार को अलग कर दिया और हिंदुत्व की ओर धकेल दिया। इसके बाद हेडगवार ने 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन संघ यानी आरएसएस की नींव रखी। हेडगवार मुंजे के संपर्क में थे। हेडगवार और मुंजे चाहते थे कि कांग्रेस के अधिवेशन में संघ के सदस्य दूर से ही पहचाने जाएं और अनुशासित दिखें। इसीलिए उन्होंने संघ के सदस्यों के लिए खाकी शर्ट, खाकी निकर, टोपी, लंबे मोजे और जूतों का ड्रेस कोड तैयार किया। ये ड्रेस कोड मुंजे की देन थी, क्योंकि मुंजे हिंदू महासभा के नेता थे और सेना में भी रहे थे। मुंजे मानते थे कि हिंदुओं का सैन्यकरण होना चाहिए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने यूरोप के इस दौरे से लौटने के बाद मुंजे ने हेडगवार के साथ मिलकर स्वयं सेवकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और इस ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया। आज भी आपने देखा होगा कि संघ के लोग कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, योग करते हैं, खेलते हैं, लाठी चलाना भी उन्हें सिखाया जाता है। संघ के लोग हमेशा अनुशासन में रहते हैं, जी शब्द से संबोधन करते हैं। ये सब बीएस मुंजे की देन है। वैसे दोस्तों, मुंजे और हेडगवार से जुड़ी बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमने आपको संघ को बनाने में उनका क्या योगदान रहा इस बारे में बताया है। मुंजे के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।